स्वच्छ भारत मुहिम के अंतर्गत आज फिरोजपुर मंडल के रेल अधिकारियों ने सुनेत रेलवे क्रॉसिंग की पटरी के दोनों ओर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान यहां बैठे कब्जाधारियों से जमीन खाली करवा रेलवे अधिकारियों ने शहीद भगत सिंह क्लब वार्ड 71 को हैंडओवर की। शहीद भगत सिंह क्लब द्वारा 1.5 किलोमीटर लंबी पटरी के दोनों साइड रेलवे के सहयोग से ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, जिसका काम शुरू हो चुका है और जल्द ही अब यहां कूड़े की जगह रंग बिरंगे फूलों से लदा पार्क नजर आएगा। आसपास की आबादी यहां फैले कूड़े की बदबू से कई भयानक बीमारियों की पकड़ में आने की बजाय अब ग्रीन बेल्ट की महकती शुद्ध हवा का आनंद ले। अज जो तुसी देख रहे हो रेलवे विभाग वालों अपनी जगह की सफाई की जा रही है। इस जगह के उत्ते बहुत झुग्गी झोंपड़ी वाले जोड़े लोग बैठे ने, भावें इतने ग्रीन बेल्ट उसार के लोगों की सेहत का मतलब खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, पर साड़ी ये भी मंग है, सानू इन्हां लोगों नाल भी हमदर्दी है जिहड़े बेचारे इहो जी वारस दे विच करोना महामारी फैली हुई है सारे दुनिया के बेचारे कितने जाएंगे इस तरह दी झुग्गियां उठा के। तो असीं समझते हाँ भाई इंसानियत नाते इन्हां लोगों का बसेबा भी कोई ना कोई जरूर करना चाहिए ता कि इन्हां नूं किसी किस्म की कोई समस्या पेश ना आए। पंजाब सरकार है जिहड़ी वह घट्टो घट्ट इह जिहड़े लोग बैठे है वो उन्हां दे रहण दा बसेबा दा इंतजाम करे ता कि इन्हां नूं बार बार बेचारियां नूं मतलब उठना ना पवे कितों वी। हुण अज इत्थों उठ खड़े कल नूं कितें होर जाणगे उत्थों फिर उठाले जाणगे, तो इन्हां दा पक्का कोई ना कोई बंदोबस्त है जिहड़ा वह सरकार वल्लों होना चाहिए। मंडल जी देखा जाए जिदा कि काफ़ी समय तक रेलवे का काम चल रहा है, अज जे पिछे थोड़े बैक साइड से झुग्गी झोंपड़ियां वाले ने वो भी ठाए जा रहे हैं, कि उन्होंने बारे कुछ सरकार को सोचना चाहिए। ये जो बैक साइड से रेलवे का काम सफाई हुई है, ये रेलवे के अधीन आँदी जगह वा, ये लोग काफ़ी समय तो इतने बैठे आ, पर मैं पंजाब सरकार यह मंग करूँगा कि इन्हों का जोड़ा वसेबा पक्के तौर पर कितने किया जाए, कदे इन्हों इतों उठा दिता जाता कदे कितों उठाया जाता, इन्हों का पक्के तौर पर कोई वसेबा होना चाहिए। तो सर की बनाया जा रहा है रेलवे की कोई इतने उदू बाद अपन पार्क तैयार हो रही ने जी हैगी इतने फुलों से फलदार बूटे लाए जाएंगे घा दे इतने जी है पूरी वधिया तरीके इतने शिंगारिया जाऊगा। सर कितों लैके कितों तक कर रहे हैं? ये अपनी जी है रेलवे फाटक सनेत तो लैके नहर तक ये बन रहा वा जी। सर देखा वे एक पास ग्रीन किया जा रहा पंजाब तीन हरियाणा ग्रीन किया दूजे पास जो झुग्गी झोंपड़ियां वाले किन्ने समय तो ये रह रहे थे कि इन्होंने सरकार अगर की अपील कर रही तो सरकार को असं यही अपील करते हैं कि इन्हों का पक्का कोई बनाया जाना चाहिए वा जोड़ा है इन्हों का वसेबा पक्का होना चाहिए। कोई थोड़ी संस्था वालों भी कोई मदद की जा रही है? साड़ी संस्था वालों तो पहला असं जिन्हें जर चली है करोना महामारी के भी इन्हों असी लंगर इतने उपड़ता करते रहे हैं, उतने अगे भी हूँ असं जो कहे असं उन्हों की मदद करा। रेलवे की प्रॉपर्टी है साड़ी ड्यूटी है भी इतने कोई इनक्रोचमेंट ना हो, अज यह साल तो रह रहे फिर पक्के हो जाएंगे पक्के मकान बना फिर रेल में दिक्कत आएगी, इतने नवी लाइन बिछनी है होर उधर भी दिक्कत आनी है, इतने क्वार्टर भी बनने हैं हो सकता इतने स्टेशन भी बन जाए, बाकी ये है भी असं रेल की जगह नजायज कब्जा नहीं होने देंगे ड्यूटी। हाँ जी नहीं तो इतने लोग आए थे रिप्रजेंटेशन दी से उन्होंने तो ट्राई कर रहे हैं थ्रू एम पी हो सकता तो हाल्ट बनवा लैन, बाकी इन्हों एक हफ्ते तो टाइम दे रहे हैं, एक हफ्ते तो असी इन्हों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इन चक लो समान थोड़ा नुकसान ना हो जाए, इन्होंने नहीं सुनी साड़ी गल तो हूँ सानू मजबूरन कार्रवाई पानी पी कार्रवाई। तो देखो रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो लोकल एम पी या एम एल ए या कौंसलर वो इन्होंने बारे सोचे